नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और वक्त हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं। बीकानेर से राहत भरी खबर, 4 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिले में लगातार सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के बाद एक बार फिर आज राहत भरी खबर सामने आई है, जहां 4 और पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी पुष्टि CMHO डॉक्टर BL मीणा ने की है। आपको बता दें कि बीकानेर में आज दिनांक तक 34 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7 पॉजिटिव केस ठीक हो गए हैं। हालांकि बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स के प्रयासों से लगातार कोरोना से जंग जीत कर अपने अपने लौट रहे हैं। श्रीडूंगरगढ़ के बिग्गा गांव में साले भैनोई के बीच हुई मारपीट के बाद भैनोई को गंभीर चोट लगने के बाद मौत हो गई। मृतक का शव बीकानेर PBM अरचूरी में रखवाया गया है। श्रीडूंगरगढ़ सर्कल CO धर्मालाल गिला, थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा पहुंचे बिग्गा गांव। मृतक नाम देवकरण बावरी बताया जा रहा है। फिलहाल श्रीडूंगरगढ़ पुलिस मामले की जाँच कर रही है और कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। नाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाल थाना क्षेत्र के कावनी में रहने वाले युवक बाबूलाल पुत्र अमराराम, जो अपने घरों में खड़ी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल रहा था और साथ में बीड़ी भी पी रहा था, अचानक पेट्रोल ने आग पकड़ ली, जिससे बाबूलाल बुरी तरह से जल गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रदेश भर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह भरतपुर जिले में 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि बांसवाड़ा जिले में एक और पॉजिटिव मरीज मिला है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 815 हो गया है। आपको बता दें कि आज सुबह आई रिपोर्ट में जयपुर से कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। जयपुर में अब तक सबसे अधिक 341 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जामसर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने हद से ज्यादा शराब का सेवन करने से उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जामसर में रहने वाले राजकुमार पुत्र पृथ्वीराम ने थाने में एक रिपोर्ट दी कि मेरा भाई संजय कहीं से शराब लेकर आ गया और हद से ज्यादा पी गया, जिसकी उसकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसे तुरंत बीकानेर के PBM अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को PBM की मर्चुरी में रखवा दिया था। कोरोना संकट में भी कई लोग मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए हैं। राज्य के जोधपुर जिले के बासनी थाना क्षेत्र एक 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष की ओर से नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोरोना संकट में शराबियों के लिए सुलभ तरीके से दारू उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने ठेकों पर देसी और अंग्रेजी दारू बेचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सब कुछ सही रहा तो 15 अप्रैल से ठेकों पर शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ग्रीन रेड ऑरेंज कोडिंग के तहत खुलेंगी दुकानें। कोरोना से प्रभावित संवेदनशील इलाकों में नहीं खुल पाएंगी दुकानें। साथ ही आज और कल 2 दिनों में लोकेशन पास करने के कार्यों में आएगी तेजी। ऐसे में आमजन लोकेशन का विरोध दर्ज कैसे करवाएंगे, इस पर अभी प्रश्न खड़े हो रहे हैं।